हाउ टू यूज़ कैमरा इन फायरबोल्ट ड्रीम स्मार्ट वॉच। ऑलराइट गाइस, तो इस वॉच के अंदर कैसे आप कैमरा को यूज़ कर सकते हो, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक ही कमेंट कि भाई इस वॉच के अंदर हम कैमरा कैसे यूज़ करें, क्योंकि कैमरा को यूज़ करने का काफ़ी सारा रीज़न है। फर्स्ट कि हमें यार UPI एप्लीकेशन को यूज़ करना है, लाइक फ़ोनपे या फिर गूगल पे, तो उसको QR कोड स्कैन करना होता है। स्कैन करने के लिए आपको बेसिक सी बात है कैमरा चाहिए होगा, तो वो कैसे होगा वो आपको इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। तो सबसे पहले तुम्हें अगर जानना ना कि यहाँ पे कस्टम वॉलपेपर कैसे लगाया जाता है, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे लॉक कैसे लगाया जाता है, ये सब मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तुम देख सकते हो कि कैसे जो है इसके अंदर तुम अपना पासवर्ड लगाते हो। जैसे कि तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अनलॉक होगी वॉच। और इसके अंदर जो है कस्टम वॉलपेपर इस तरीके से, ये चीज़ देखो यहाँ पे मैंने जो है ये वॉलपेपर सेट किया है, ठीक है, ये वॉलपेपर यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो एडिट के बटन पे, तो आपको यहाँ से आपका वॉलपेपर भी लगा सकते हो जो तुमने डाउनलोड किया होगा। यहाँ पे जाकर छोटा सा यहाँ पे क्लिक करना होता है, जो पेंसिल का आ रहा है देखो, जो तुमने फोटोज़ डाउनलोड की है ना खुद की भी इंस्टाग्राम से, तो भी तुम लगा सकते हो। तो ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, मेन टॉपिक को मैं कवर कर देता हूँ कि आपको कैमरा कैसे यूज़ करना है, और कर भी सकते हैं फिर नहीं, पॉसिबल है फिर नहीं। तो बाय द वे दोस्तों, अगर तुम्हें बताऊँ इसके अंदर जो डब्बा मिला था, बॉक्स मिला था, इसके अंदर सारी डिटेल है, बट कैमरा का कहीं पर मैंशन नहीं है। और मैंने इनकी सारी कॉपी पढ़ डाली कि भाई कहीं पर तो इन्होंने बताई होगी कोई हिडन सेटिंग होगी कैमरा को यूज़ करने का, तो कैमरा यहाँ पे इन्होंने दिया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुने, कैमरा इन्होंने कहीं पे भी नहीं दिया है, और अगर दिया होता तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से जाओ और बैक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक कर दिया मैंने वॉच को, तो यार अनलॉक कर देता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। तो अभी ना मैं लेके जाता हूँ, सबसे पहले आप एक चीज़ को समझना, सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ इस तरीके सेटिंग के ऊपर। तो भाई लोग इसको बैक कर देता हूँ यार सेटिंग। हाँ तो अभी देखो यहाँ पे जाओगे ना एप्लीकेशन के ऊपर भी क्लिक करता हूँ मैं, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स आपको देखने को मिलेंगी, सी ऑल 30 ऐप्स पे क्लिक कर देते हैं, तो कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, क्रोम, इस तरीके से ऑलमोस्ट मुझे सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती हैं, राइट। बट कहीं पे भी मुझे लग रहा है कैमरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से जाता हूँ। और एड भाई लोग, तो यहाँ पे शायद जो है इन्होंने कैमरा एप्लीकेशन बिल्कुल भी मैंशन नहीं किया है, तो अगर यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ठीक है भाई लोग। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये वॉच जो है, बेशक यहाँ पर ये वॉच को जो है काफ़ी तगड़ी सेल के साथ सेल किया गया है, बेचा गया है, बट इस वॉच के अंदर मुझे कुछ खामियां नज़र आई हैं जो मेरे को पहले देखनी चाहिए इसको बाय करने के लिए। रीज़न क्या है, अगर इसका प्राइस रेंज देखा जाए ना दोस्तों, अभी के टाइम ये 7,500 इसका प्राइस चला गया, जिस दिन वहाँ पे फर्स्ट डे इसकी सेल थी वो, बट आप सभी ने भी नोटिस किया होगा जब इसकी फर्स्ट डे सेल चल रही थी ना, वो वहाँ पे 5,099 ऐसे ही कुछ चला था, 5,999 रुपीज़, राइट, तो यानी कि 6,000 रुपये की वॉच मिल रही थी उस टाइम, उस दिन। तो अभी जो इसका प्राइस की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 1,000 से लेकर 1,200 का इसका प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। बट इस वॉच के अंदर आपको ये सुविधा नहीं मिलती कि भाई यहाँ पे कैमरा नहीं दिया जा रहा, इससे बड़ा तो यहाँ पे S8 अल्ट्रा वगैरह ऐसी वॉच है सैमसंग की, जिसके अंदर प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है, 8-9 हज़ार की घड़ियाँ मिल रही है, बस उसके अंदर आपको कैमरा की भी सुविधा मिलती है। बस यहाँ पे इन्होंने जो है कैमरा प्रोवाइड नहीं किया है, और इसके अंदर आपको सिम वगैरह की जो है सुविधा इन्होंने दी है कि भाई आप सिम डाल सकते हो, और वो भी यहाँ पे न्यू सिम बाय करनी पड़ेगा ऐसा कुछ है। तो ये वॉच के अंदर जो है मेरे को सबसे बड़ी कमी लग रही है कि यार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी UPI एप्लीकेशन किसी को भी नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैं जाऊँ यहाँ पे किसी भी UPI एप्लीकेशन को सर्च करता हूँ फ़ोनपे, तो अगर तुम्हें फ़ोनपे यूज़ करना है ना, तो तुम डायरेक्ट फ़ोनपे अगर उनका नंबर होगा तभी तुम वहाँ पे डायरेक्टली जो है उसको भेज पाओगे, पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। बाकी इस वॉच के जो मेन पार्ट वगैरह हैं वो सब चाइना से ही बन रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई ये वॉच जो है इंडिया में बिल्कुल भी मेड इन इंडिया नहीं है, ठीक है। आप कभी खुद देखना वहाँ पे ओरिजिन जो है, ओरिजिन का मतलब होता है जो जहाँ से मेन इसका जो पार्ट्स वगैरह यहाँ से बने हैं वो चाइना ही है। तो दैट्स है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कैमरा वगैरह कुछ भी तो दिए नहीं है। बाकी लेट्स सी, मैं इसको जो है यूज़ तो कर रहा हूँ, बाकी अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 7 डेज़ की जो है यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी होती है, तो रिटर्न कर लो, पैसा ले लो बैंक में वापस अगर तुमने ऑनलाइन पेमेंट की थी तो, नहीं ऑनलाइन की थी तुम वैसे भी ले सकते हो। तो अगर तुम्हें यूज़ करना है तो वैसे नॉर्मल चीज़ों के लिए यूज़ कर लो, ठीक है। घड़ी मतलब इसके अंदर आप सभी काम वगैरह सब कुछ कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मुझे यहाँ पे कैमरा जो है ये नहीं मिला इसके अंदर, और इस प्राइस रेंज के अंदर आप ये 7,000 से भी ऊपर चली गई है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वैल्यू फॉर मनी रहेगा कि आप बिना कैमरा वाली वॉच को बाय कर रहे हो, और इस समय ये प्राइस काफ़ी हाई हो चुका है, ठीक है।